कि एक झारखंड भवन हमारा पहले भी बसंत कुंज में है, लेकिन वो बहुत ही छोटा है, मात्र 16-17-18 कमरे का वो भवन है। और आपको पता है कि देश की राजधानी है दिल्ली, कई सारे लोग सरकारी कार्यक्रमों के लिए भी यहाँ आते हैं, कई सारे लोग अपने स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर यहाँ आते हैं और अलग अलग वजहों से झारखंड के लोगों का यहाँ आना होता है। बहुत कम कमरे होने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है बरसों तक, और आखिरकार ये एक 60-65 कमरों का एक नया झारखंड भवन आज बनकर तैयार हुआ है। और बड़े लंबे समय से इस भवन के तैयार होने की इंतजार में सभी लोग थे। आज विधिवत ये उद्घाटन कार्यक्रम हो चुका है और आने वाला समय में मुझे लगता है कि झारखंड के लोगों को हमारे माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, आम लोग जो बीमार कोई इलाज के लिए आते हो, कोई और कार्यक्रम से आते हो, उनको भी सरकार के द्वारा उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि एक एक कमरे तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे जो बताया गया है कि इसमें लगभग वो सभी चीजें यहां पर बनाई गई है जो एक कहा जाए कि अतिथिशाला, गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, जो भी कहें, जहां लोगों का कुछ समय के लिए आना होता है और उनकी जो जरूरतें हैं, उन सभी जरूरतें यहां उनको उपलब्ध होगा, रहने से लेके खाने तक का। और चूंकि ये भवन एक ऐसा जगह अवस्थित है जहां बहुत सारे सरकारी कार्यालय भी हैं आसपास में, आवागमन के लिए रेलवे स्टेशन भी बहुत करीब में है, मेट्रो की भी सुविधा आसपास में है, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां से लोग इस भवन में बहुत आसानी से और बहुत सुगमता से अपने कार्यों को कर पाएंगे। और ज्यादा विशेष नहीं, हमारे साथ मुख्य सचिव भी हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में, तो मैं आप लोगों को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। और हम धन्य हुए कि आज आपके कर कमलों द्वारा हमें ये सौगात मिली है नए झारखंड भवन के रूप में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आपने ये सौगात हमें दी है। और इसी के साथ आज का ये जो उद्घाटन के अवसर पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हमने यहाँ पर, उसका हम समापन करते हैं। मुख्यमंत्री